प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महा झूठ बोलते हुए कहते हैं कि झारखंड के देवघर से लेकर बिहार के दरभंगा तक हमने इस प्लानिंग के तहत एम्स बनवाया है कि आपको इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी महा झूठ को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि सच यह है कि बिहार के दरभंगा में आज तक कोई एम्स बना ही नहीं है। और जब हम आपको दरभंगा एम्स की कहानी बताएंगे, नरेंद्र मोदी जी का झूठ बताएंगे, बिहार सरकार का सच बताएंगे, तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोच के मजबूर हो जाएंगे कि हमारे नेता इतने निर्लज और इतने बेहाया कैसे हो सकते हैं। गौर से देखिए, यहां पे 2015 में एक बजट सत्र के दौरान पास होता है कि बिहार के दरभंगा में एम्स बनेगा, 1,264 करोड़ रुपया पास हुआ, और उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। लेकिन चूंकि जमीन बनानी थी, मतलब कि एम्स बनाना था केंद्र सरकार को और जमीन देना था बिहार सरकार को, इसलिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में लेटर लिखा बिहार सरकार को कि हमें एम्स बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने इस लेटर का कोई जवाब दिया ही नहीं। फिर जून के बाद दिसंबर 2015 में फिर से केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा कि हमें एम्स बनाने के लिए जमीन चाहिए, बिहार सरकार ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। फिर 6 मई 2016 को फिर से केंद्र सरकार ने एक रिमाइंडर लेटर भेजा। रिमाइंडर लेटर का मतलब फिर से याद दिलाया एक लेटर भेज के कि हम आपसे जमीन चाह रहे हैं, जमीन दे दो, हमें एम्स बनाना है। और जब रिमाइंडर लेटर भेजा तो एक साल के बाद बिहार सरकार ने एक और लेटर लिखा और लेटर में पूछा कि आप हमें यह बता दीजिए सरकार कि आपको जमीन कहां पे चाहिए। तो 8 दिसंबर 2016, एक चीज को आप नोट कीजिए, 2015 से लेके 2016 तक एम्स बनना शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ लेटर लिखा जा रहा है। तो दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार एक और लेटर लिखती है और लेटर लिख के कहती है कि जमीन देना राज्य सरकार का काम है, आप हमें जमीन दीजिए, हम एम्स बना देंगे। तो 8 दिसंबर को लेटर लिखा जाता है और 29 मार्च 2017 को बिहार सरकार जवाब देती है और जवाब में कहती है कि जमीन का चयन आप खुद कीजिए, आप खुद बताइए कि आपको दरभंगा में जमीन चाहिए कहां पे। अब चूंकि बिहार केंद्र सरकार जमीन मांग रही है और बिहार सरकार कह रही है कि आप बताओ आपको जमीन कहां चाहिए, तब तक से 12 अप्रैल 2017 एक बार फिर से केंद्र सरकार रिमाइंडर लेटर भेजती है, रिमाइंडर लेटर भेजती है और कहती है कि हमें आप जमीन दीजिए, अगर आप जमीन नहीं देंगे तो फिर वो दिक्कत। बिहार सरकार के द्वारा फिर से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। फिर और तब तक से भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ मिलके ये लोग सरकार बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक से नीतीश कुमार और भाजपा अलग अलग थे, तो ये जवाब का काम, पत्र लिखना और जवाब का ये सारा खेल चल रहा था। लेकिन अब सत्ता में बिहार में भी आ गई भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, साथ में नीतीश कुमार भी, तब अब देखिए कि क्या खेल होता है। इसके बाद फिर से 2 फरवरी 2018 में फिर से केंद्र सरकार राज्य सरकार को लेटर लिखती है और कहती है कि हमें जमीन दीजिए, अगर आप जमीन नहीं देंगे 15 दिन के अंदर, अगर आपने जमीन नहीं दिया, अगर आपने जवाब नहीं दिया, तो दरभंगा में एम्स बनाने का जो प्रस्ताव पास हुआ है उसे हम खारिज कर देंगे। अब चूंकि इतना कहने के बाद राज्य सरकार कहती है कि एक डीएमसीएच है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसी में अभी बहुत बड़ा जमीन है, तो उसी को विस्तार करके डीएमसीएच में ही एम्स बना दीजिए। अब चूंकि यहां पे बिहार सरकार ने 2015 से 3 साल के बाद कहा कि आप जमीन बनाइए, कहां पे जमीन बनाइए, तो डीएमसीएच में ही आप एम्स बना लीजिए, जमीन नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, एम्स बना लीजिए। अब ऐसा क्यों कहती है पता है? क्योंकि 2020 में चुनाव होना था और चुनाव से पहले आपको पता है कि दावे किए जाते हैं कि हम एम्स बनवाएंगे, ओवरब्रिज बनाएंगे, इसीलिए बिहार सरकार ने बोल दिया कि बनाइए। लेकिन
एक और बड़ा खेल हो जाता है। बड़ा खेल ये होता है कि राज्य सरकार तो कह देती है कि हम डीएमसीएच में एम्स बनवाइए, लेकिन 2021 में सदन में अश्विनी चौबे जी कहते हैं कि जमीन अभी तक से ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। यानी राज्य सरकार ने सिर्फ कहा है, जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने यह बात सदन में कहा और तब तक से 2-3 साल और बीत जाता है, और 2-3 साल बीत जाने के बाद अप्रैल 2023 आता है, और अप्रैल 2023 में बिहार सरकार कहती है कि आप डीएमसीएच में एम्स मत बनवाइए, आपको हम एम्स बनाने के लिए दरभंगा में एक जगह है बहादुरपुर, वहां पे 151.17 एकड़ जमीन दे रहे हैं, आप यहां पे अपना एम्स बना लीजिए। अब चूंकि दिक्कत यह है कि जहां पे बिहार सरकार जमीन दे रही है कि आप एम्स बनवाइए, वो जमीन समतल भूमि से बहुत नीचे है, तो इसीलिए केंद्र की टीम जांच करने जाती है, और जांच करने जाती है तो खारिज कर देती है। वो कहती है कि हम जमीन नहीं, हम यहां पे एम्स नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि यहां पे एम्स बनाने में बहुत दिक्कत है। इस तरह की बात केंद्र सरकार कहती है। तो जब केंद्र सरकार ये बात कहती है तो बिहार सरकार कहती है कि अच्छा, बहुत ज्यादा अंदर है, कोई बात नहीं, 309 करोड़ हम और दे रहे हैं मिट्टी भराने के लिए। यानी कि 309 करोड़ का उस जमीन में आप मिट्टी भरा लीजिए, उस जमीन को ऊंचा कर लीजिए, बना लीजिए एम्स। केंद्र सरकार फिर से जाती है, केंद्र सरकार की टीम जाती है जांच करने के लिए, और जांच करने के बाद वो कहती है कि यहां पे एम्स नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि एम्स बनाने में यहां पे दिक्कत है, कई तरह की समस्याएं गिना देती है। यानी कि 2015 का खेल शुरू हुआ और आ गया अप्रैल 2023, अभी तक से एम्स बनने का काम शुरू ही नहीं हुआ। अभी तक से तो यह तय नहीं हुआ कि एम्स एग्जैक्ट कहां पे बनेगा, एम्स डीएमसीएच के पास बनेगा या एम्स बहादुरपुर में बनेगा, यह क्लियर ही नहीं हुआ। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि आपके बिहार के नेता आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, और केंद्र में बैठी सरकार आपके बारे में कितना सोच रही है, क्योंकि यह 2015 से 2023 तक ऐसे ही खेल चलता रह गया, और दरभंगा में एम्स बना ही नहीं, सिर्फ कागज पर हल्ला होता रहा कि एम्स बनेगा। लेकिन दरभंगा एम्स चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगा होगा, वो शायद होमवर्क नहीं करते होंगे, इसलिए मोदी जी को लगा होगा कि नहीं नहीं, एम्स तो बनने के लिए 2015-18 में बात हो गई थी, 2019 में तो मैंने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि नहीं नहीं एम्स बना लीजिए। तो उनको लगा होगा कि 19 के बाद 20, 21, 22, 23 चार साल हो गया, चार साल में तो एम्स बन ही गया होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री शायद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने झारखंड के देवघर से लेके बिहार के दरभंगा तक एम्स बना दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई एम्स बना ही नहीं है, और तेजस्वी यादव जी अब इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि हम आपको नया जगह जमीन दे रहे हैं, 151.17 एकड़ जमीन दे रहे हैं, 309 करोड़ मिट्टी भराने के लिए जमीन दे रहे हैं, अब आपको क्या चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम तो अब यहीं पे बनाएंगे, हमको तो डीएमसीएच के पास बनाना है, और यह खेल पिछले 8-9 सालों से चल रहा है, पर हमारे लिए, आपके लिए, बिहार के लोगों के लिए एम्स का निर्माण नहीं हो पा रहा। और ये वीडियो बनाते बनाते मुझे गर्मी हो चुकी है, और मुझे इन निर्लज नेताओं पे गुस्सा तक आ रहा है कि ये वास्तव में आपके बारे में और हमारे बारे में तनिक नहीं सोचते। एम्स कब पास हुआ है, तो 2020 के आसपास, वो भी कब, जब चुनाव था तब, लेकिन बना नहीं। बाकी आप खुद बताइए, क्या इस चीज के लिए राज्य सरकार में अब तक सत्ता में बैठे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोषी नहीं है? क्या केंद्र में बैठी सरकार दोषी नहीं है? क्योंकि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो भी तो नीतीश कुमार के साथ एक समय में अलायंस थी, वो भी तो नीतीश कुमार के साथ सरकार बना चुकी थी जो 2017-18 तक। तो क्या केंद्र में बैठी सरकार दोषी नहीं है कि आप जिसके साथ मिल बैठ के सरकार बना लेते हैं, आप उससे एम्स नहीं बनवा पाते, आप उसके साथ टेबल पे बैठ के एम्स कैसे बनाया जाए इस पर चर्चा नहीं कर पाते? बाकी आप समझने के लिए खुद काफी है, मेरा काम था बताना और मैंने बताया। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है।